नैनों में बदरा छाए, बिजुरी सी चमके हाए। नैनों में बदरा छाए, ना 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 ना। तो गाइज आज सुबह उठा हूँ तो थोड़ी सी ना गले में खराश फील हो रही थी, तो मैंने कहा काढ़ा पी लेते हैं। तो जिसका कोई ना दे साथ उसका साथ देता है काढ़ा। तो एक गाना भी है ना, क्या है गाना वो, जिसका कोई नहीं उसका जिसका तो काढ़ा है जिसका कोई यारो। नहीं उसका काढ़ा है यारो। तो भाई आज चल रहा है हमारा काढ़ा। को अगर काढ़े का ऐड करने के लिए बोला जाए, चलो आज ये टास्क आपको दे देती हूँ, जो काढ़ा पी रहा उसका ऐड करके दिखाओ। काढ़े पे एक जिंगल बनाते हैं, ट्राई करते हैं। जब बदन में उठे सुरसुरी और गले में उठे खराश, तो झट से बनाओ काढ़ा और फट से पियो उसे। काढ़े में काढ़ा और काढ़े में जोश, काढ़े में काढ़ा काढ़े में जोश, पीने करोना वालों के उड़ जाते हैं होश। नहीं, ए, डिब्बे में डिब्बा और डिब्बे में, अरे यार ये तो बच्चों वाली बना पहली बार रची यार, क्या है। नहीं, एक 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 वो था, जोक था, डिब्बे में डिब्बा डिब्बे में खरगोश, और जो वो नियर नहीं नविस है, करे वो है फलाने। नहीं, एक वो था, डिब्बे में डिब्बा डिब्बे में खरगोश, मुन्नी ने आंख मारी दबंग बेहोश। आप ट्रैक चेंज कर दिया, मैंने पाड़े काढ़े के बेहोश। ऊपर बोला था यार, ऐसे मत बोलो, ये बहुत सारे लोग पाड़े क्यों भी हो, जो बेचारे पाड़े होंगे ना, हमारे सब्सक्राइबर होंगे, देख रहे होंगे, कहेंगे यार बच्चा तुरंत ही अनसब्सक्राइब कर बहुत देंगे सारे लोग आपको। मुन्नी भी होंगे, तो प्लीज यार मतलब मेरे शब्दों में मत जाइए। मैंने एक जिंगल बनाने की कोशिश करी थी, हालांकि काफी पीजे था, बट नहीं सीरियसली यार, आप बना के दिखाओ, देखना है टैलेंट कितना है आपके अंदर, मैं देखना चाहती हूँ। जब खराश सताए तो काढ़ा याद आए, ये तो कुछ सही था, है ना। अब मैं बताऊंगी, जब गला तेरा खसखसाए और सर डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काढ़ा अपनाए, काढ़ा ये सही था, अपनाए, आपसे गला बेटर हूं मैं यार। तेरा थर्राए और छाती फूली जाए, झट से प्यारे किचन में जाए, काढ़ा लेके आए झट से पी जाए। गुड, ये सही ये था, सीखता है ना, ये सही था। गुड। तो सबसे पहले प्रथम दृष्टया मैं हमारे प्रधानमंत्री श्री श्री 1008 मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ, और हमारे भूतपूर्व मनमोहन जी को भी, प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि उन लोगों के सौजन्य से अब 1 मई के बाद, जो है 1 मई से 18 वर्ष या उससे ऊपर वाले लोगों को वैक्सीनेशन लगना शुरू हो जाएगा। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है, मेरे भाइयों और उनकी बहनों, मेरी भी बहनों, आप सब लोगों से अनुरोध है कि प्लीज़ 1 मई से अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, अपना वैक्सीनेशन करा लीजिए। रीज़न बिहाइंड दिस इज़ दैट कि 45 ईयर्स एंड अबव लोग जो है वो मोस्टली घर में हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं, लेकिन 18 साल से ऊपर के लोग, मेरे जैसे लोग, उनकी मजबूरी है घर से बाहर जाना, कमाना है तो घर से बाहर जाना पड़ेगा। ऐसे में आप एक बहुत ही फ्रीक्वेंट कोविड कैरियर आप हो सकते हैं, तो इसलिए आपका वैक्सीनेटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने अभी तक नहीं लगवाया, लेकिन फर्स्ट में से जो स्लॉट आया है मैं भी जाऊंगा और अपना वैक्सीनेशन कराऊंगा। तो आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग जाइए, वैक्सीनेशन कराइए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने वैक्सीनेशन नहीं कराया, आप गए बाहर और आप कोविड लेके आ गए, तो आपकी तो इम्यूनिटी डेवलप्ड है, मे बी शायद आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आपके घर में जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको आप बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना मैसेज देना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट था, तो प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो करिए और इस चीज का ध्यान रखिए। 1 मिनट रुकना, एक और याद आ गई जिंगल। हाँ, तो अब एक और जिंगल याद आई है, काढ़े में काढ़ा काढ़े में जोश, और काढ़ा पी लो तो हो जाओगे बेहोश।
ये भी ठीक है ना, इतना ज्यादा काढ़ा मतलब इतना ज्यादा कड़वा होता है यार कि वाकई पूरा ऐसा लगता पीने है वाला वाकई बेहोश हो यहाँ जाए। पे किसी ने ऐसे नाइफ लगाई है और यहाँ तक ऐसे पूरा छीड़ दिया है। तो गाइज ये जो आप पूरा आइटम देख रहे हैं, दिस कंप्लीट आइटम इज मेड विदाउट अनियन विदाउट गार्लिक, सो लेट्स हैव टेस्ट। मजा आ गया गाइज, मजा आ गया। मतलब आप लोग बिना लहसुन प्याज के भी उतना ही टेस्टी खाना आप खा सकते हैं जितना विद ऑनियन या गार्लिक आपको मजा आएगा, बशर्ते बना होना चाहिए बहुत कायदे से। सांभर का टेस्ट तो बहुत औसम है। 10/10 एंड 10/11, नहीं सॉरी 11/10, एक नंबर एक्स्ट्रा चटनी को। बहुत ही औसम और बहुत ही मस्त टेस्ट है। इडली भी आप देखो ना, बिल्कुल सॉफ्ट इडली बनी है भाई, मुझे तो मज़ा आ गया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी मज़ा आ रहा होगा देख के, कभी मौका लगेगा तो आपको ज़रूर खिलाएंगे। वेदों को कैसा लगा? कैसा? थम्स अप दे रहा है वेदों माँ को। डू यू लाइक इट? तो आजकल गाइस हम लोग बालकनी में भी जा रहे हैं ना, जब से ये पता चला है कि कोविड हवा में फैल रहा है, तो भाई साहब हम तो बालकनी में भी मास्क लगा के जा रहे हैं। बाहर का नज़ारा इतना अच्छा है तो मैंने कहा आज भी आपको मौसम का हाल एक बार दिखाई देते हैं। देखिए आप पीछे, वाह यार वाह, क्या बात है। अभी दोपहर के बज रहे हैं 1:44, पौने 2 बजे, बिल्कुल भी धूप नहीं है, काले काले बादल छाए हुए हैं ऊपर, बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है, तो पूरी उम्मीद है कि थोड़ी बहुत तो बारिश मतलब होनी चाहिए। वाह भाई वाह, किसने सोचा था कि आज के दिन का अंत जो है कुछ इस तरीके से सुहाना होगा। बहुत ही ज़बरदस्त बारिश हो रही है, ज़बरदस्त बिजली।